बारी आ गई एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तैयार हो जाइए, आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन से ऊपर आ जाए, ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किसका संबंध शरीर के उसी भाग से है जिससे अंजन या मस्कारा का है? Which of these is associated with the same part of the body as mascara? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए लिपस्टिक, बी चूड़ियां, सी सुरमा, डी माला या नेकलेस। समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सुरमा। ऑलराइट, अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये है उनके नाम। अनिमेश जी को मस्कारा से लगाव ही नहीं लगा, इनका उत्तर ही नहीं आया। ऑलराइट, तो ये है सब जिन्होंने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? पूजा जी, पूजा त्रिपाठी जी, 1.68 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पर स्थिति बनती है कि पूजा त्रिपाठी जी नंबर वन स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, इनमें से किस जगह पर अक्सर एक लॉकर की सुविधा प्रदान की जाती है? Which of these establishments often offer a locker facility? और आपके options ये आपके सामने, A restaurants, B banks, C cinema halls या D चिड़ियाघर यानी कि zoos। समय हो गया समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? देखते हैं B banks। अब देखते हैं B में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये आपके सामने, सभी ने सही जवाब दिया, सबसे कम समय किसका लगा? अंजलि कुमार जी का 1 सेकंड। ओके, वेल डन। और लीडर बोर्ड पे पूजा जी प्रथम स्थान पर थी और अंजलि कुमारी प्रथम स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आपके सामने आएगा, रेडी कंटेस्टेंट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किसकी त्वचा की बाहरी परत अधिकांश रूप से पपड़ी या स्केल से ढकी होती है? The outer skin of which of these is mostly covered with scales? और आपके options ये आपके सामने, A उभयचर, B स्तनधारी, C पक्षी या D मछली। Amphibians, mammals, birds और is it D fish? समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? D fish, मछली is the सही answer। Alright, D में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये है उनके नाम, दो को, तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? पूजा त्रिपाठी जी का 2.08। ऑलराइट, तो अंजलि कुमारी जी प्रथम स्थान पर थी। पूजा त्रिपाठी जी विजयी हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई। आइए पूजा जी, मैं अपनी बुआ का पाउन से क्या ना। हाँ हाँ, अभी बैठ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये अलाउड नहीं। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। अगला मैच रहे पूजा जी के लिए। तो देवेंद्र संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं, पूजा त्रिपाठी जी ये एक होम मेकर हैं और ये समलपुर उड़ीसा से आ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका, और कंपेनियन के रूप में हुआ है, प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात, पिछले 3 साल से ये सपना था मेरा, पता नहीं सर कैसे लाइक सोते जागते हाँ जाना है, एक दिन जाना है, एक दिन जाना है। सर आज बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे ऑडिशन हो गया, कैसे मुंबई ऑडिशन हो गया, कैसे यहाँ पे बैठी हूँ। मुझे कुछ भी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं कोई सपना देख रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं यकीन हो रहा है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। एंड जब आप आए फाइन, तो ऐसा लग रहा था ना कि कोई डिवाइन पर्सनैलिटी चल के आ रहा है। आपको अच्छा, सुनिए 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 सर, और एक चीज बोलना चाहूंगी। हाँ जी।
मेरा यहाँ आने खेल का से संबंधित हो तो बोलिएगा। सर आप क्यों काटते हैं, मेरे को एक बात जानना है, जब भी कोई आपका तारीफ करता है आप क्यों कट करते हैं उन्हें? सर क्या आपको नहीं लगता कि आप हैंडसम हैं? 24 घंटे कोई आपकी तारीफ करे आपको अच्छा लगेगा? हाँ सर ऑफ कोर्स। शांत हो जाइए। विजय जी क्या लग रहे हैं आप, एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे हैं। क्या बात है, कितनी आप मुझे ये पहना हुआ है ना, क्या बात है, और कितने अच्छे कपड़े हैं आपके, बाल जो हैं आपके कितने संवर रहे हैं, और जो होठों पे आपने जो लिपस्टिक लगाया हुआ है, वाह 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 क्या बात है, वह इतनी सुंदर है आपकी मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, और पता नहीं जूते कैसे, वाह रे वाह, हाई हील भी कमाल का ही पहना हुआ आपने, और ये जो सलवार कमीज आपकी है दुपट्टे के साथ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, पागल हो जाएगा आदमी। अब मैं एक बात बोलूं? ना बोलो प्लीज। इतने सारे बातें तो बोल चुके हैं। नहीं एक बात सर, आपसे कम। अच्छा पूजा जी ठीक है खेल शुरू करते हैं। आप देखिए जान जाइए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं, ठीक है, और खेल की अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? अब आपका ध्यान जो है वो खेल के ऊपर आ जाए। पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने, 1000 रुपए इसका मूल्य है। रेडी जी? पहला प्रश्न 1000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस उपकरण पर आप आमतौर पर वॉल्यूम को बढ़ा या घटा नहीं सकते? ऑन विच ऑफ दीज अप्लायंसेस कैन यू यूजुअली नॉट टर्न द वॉल्यूम अप और डाउन? ऑप्शन सुनिए, ए टेलीविजन, बी रेडियो, सी मोबाइल फोन, या डी रेफ्रिजरेटर। सर टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन या फ्रिज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेटर। डी रेफ्रिजरेटर पे ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऑलराइट पूजा जी आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गणित के किस चिन्ह को लिखने के लिए एक छोटी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रेखा के ऊपर नीचे एक एक बिंदु लगाए जाते हैं? टू राइट विच ऑफ दीज मैथमेटिकल सिंबल्स वुड यू ड्रॉ अ स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन विथ वन डॉट अबव एंड वन बिलो इट? ऑप्शन सुनिए, ए डिविजन, बी मल्टीप्लीकेशन, सी सब्ट्रैक्शन, या डी एडिशन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डिविजन। भाग, गुणा, घटाओ या जोड़? ए भाग पे ताला लगाएं? जी सर डिविजन, ऑप्शन ए डिविजन। ए डिविजन पे ताला लगाया जाए, सही जवाब दिया, 2000 जीत लिए। अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने, 3000 रुपए इसका मूल्य है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है देवी जी, इनमें से कौन सा जानवर मांसाहारी नहीं है? विच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट कार्निवोरस? लेट्स सी द पिक्चर प्लीज। और जितने भी ऑप्शंस हैं ये इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी में। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन सी। इमेज ऑप्शन सी पे थोड़ा लगाया जाए, बिल्कुल सही कहा आपने, घोड़ा शाकाहारी होता है, बाघ और लकड़ बग्गा या हाइना मांसाहारी होते हैं, लकड़ बग्गा। अरे बड़े दिनों के बाद ये शब्द सुना, उत्तर भारत में लकड़ बग्गा हम लोग बोलते हैं इसको। हाँ जी मांसाहारी होते हैं, भालू की कुछ प्रजातियां सब चीजें खाती है, यानी वो पौधे और पशु मांस दोनों खा सकते हैं। वाह, घोड़ा जो है वो केवल घास खाता है। एक पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे हम कश्मीर में, तो उसमें घोड़े ओड़ा चलाना था कुछ था, तो वो जो घोड़े का मालिक था वो कुछ ले गया खिलाने के लिए अपने घोड़े को, तो उसने उसकी उंगली भी खा ली, तो बहुत जोर से चिल्लाया वो, बोला ये घोड़ा घास नहीं मांस खाता है। पूजा जी आपके घर में कुछ है क्या, पेट्स वगैरह? हाँ सर एक्चुअली मेरे घर पे एक पेट था, एंड पिछले 10 सालों से मैंने उसे अपने बच्चे के तरह रखा था, एंड सर अभी 10 ही दिन हो रहा है एंड वो उसका डेथ हो गया। अरे एंड सर जब मुझे KBC का ऑडिशन का कॉल आया कि आप सिलेक्ट हो गई है, मैं इतनी खुश थी सर, एंड उसके सेकेंड डे में ही मुझे इतनी बड़ी लाइक खबर मिली, तो इट वॉज लाइक ना सर कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो वो एक बहुत बुरा मोमेंट था। एंड मैं इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी।
एक्चुअली हमारे एरिया पे या मेरे घर के आसपास कोई भी डॉग हो, स्ट्रे हो, या गाय का बछड़ा हो, या पिजन्स हो, कोई भी अगर किसी को भी चोट लगी तो डायरेक्ट कॉल जाता है मेरे को. मेरे पाड़ा में ना मैंने एक बच्चों की सेना बना रखी है, व्हिच आई यूज्ड टू कॉल द बैनर सेना. तो मेरी जो बहन है वो मुझे कॉल करती है कि दीदी दीदी पता है कुत्ते के बच्चे को ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया. एंड मैं डायरेक्टली वहाँ पहुँचती हूँ एंड मैं पूरी मंडली को लेके, हमने सर आज तक लाइक बहुत सारे पेट्स का, मतलब नॉट पेट्स, बहुत सारे स्पेस का हमने हेल्प किया है. एंड सर इसी चीज के वजह से लाइक मेरे घर वालों को पता भी नहीं रहता है मैं कब आके क्या करके चली गई, तो मुझे एरिया पे बिन बादल बरसात बोला जाता है. लेकिन ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. आगे चलते हैं पूजा जी, चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने. चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ को पारंपरिक रूप से कितने व्यंजन या भोग चढ़ाए जाते हैं? हाउ मेनी डिशेस और भोग आर ट्रेडिशनली ऑफर्ड टू लॉर्ड जगन्नाथ इन द टेम्पल एट पुरी? ए 2, बी 5, सी 20 या डी 56? 2, 5, 20 या 56? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 56. 56 56 पे ताला लगा जाए. सही जवाब दिया आपने. ये जो प्रसाद है ये आमतौर पर महाप्रसाद के रूप में ये दिया जाता है और ये 56 भोग के रूप में प्रसिद्ध है. 56 भोग. ऑलराइट, आ गया है पहला पड़ाव. पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए पूजा जी आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. ये एक वीडियो प्रश्न है, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे. इस वीडियो में दिखाई देने वाले गायक और संगीत निर्देशक कौन है? हु इज द सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हु मेक्स एन अपियरेंस इन दिस वीडियो? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने, हालांकि आपके चेहरे से लग रहा है कि आपको इसका उत्तर मालूम है. ए अमित त्रिवेदी, बी प्रीतम, सी ए आर रहमान या डी विशाल ददलानी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ए आर रहमान. सी ए आर रहमान पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. ये जो गाना है ये फिल्म हाईवे से है जिसका संगीत ए आर रहमान ने दिया है. वीडियो में वो आलिया भट्ट के साथ नजर आ रहे हैं, आलिया भट्ट बैठी हुई है उस ट्रक में. ओके, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है. देव संजो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये टी सीरीज से सौजन्य से संभव हो पाया, इसलिए हम उनको अपना आभार प्रकट करते हैं. ओके, संगीत वगैरह में दिलचस्पी रखती है कि नहीं पूजा जी? हाँ सर, सुनती हूँ, डांस भी करती हूँ. सर मैं एक्चुअली एक फोक डांसर रही हूँ. मैंने संबलपुरी फोक डांस किया है एंड मैंने वो जयललिता मैम जो तमिलनाडु की सीएम थी एंड नवीन पटनायक सर जो कि हमारे ओडिशा के माननीय चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनके सामने भी मैंने परफॉर्म किया है. ओके, बहुत अच्छी बात है. ऑलराइट, बधाई आपको. अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न 20,000 रुपए. छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा. इनमें से किस खेल में हाथ में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है? Which of these sports does not require the contestant to hold any equipment in their hands? A. Pole vault. B. Javelin throw. C. Tennis. Or is it D. Long jump? Sir, pole vault, bhala phenk, tennis ya lambi kood? Sir, please lock option D. Long jump. Long jump, lambi kood, D pe tala lagaya jaye. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. एक पोल वॉल्टर को अपने हाथ में पोल लेकर के दौड़ना पड़ता है, भाला फेंक को भाला होता है और वो जेवलिन होता है और टेनिस में टेनिस रैकेट होता है. लंबी कूद में आपको बस केवल दौड़ना पड़ता है और एक मार्क बना हुआ है, वहां से छलांग मार करके आपको कूदना पड़ता है. ट्रिपल जंप भी होता है जिसमें कि हॉप, स्टेप एंड जंप.
वहां भी पैरों का इस्तेमाल होता है। ऑलराइट पूजा जी, सातवां प्रश्न आ रहा है, मूल्य इसका 40,000 रुपए। रेडी? सातवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में इनमें से किसकी माता अपने पति से वर पाने के लिए कोप भवन में चली गई थी? इन द रामायण हूज मदर वेंट टू द कोप भवन टू गेट हर हस्बैंड टू ग्रांट अ बून्स। ए लॉर्ड राम, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी शत्रुघ्न। ए भगवान राम, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी शत्रुघ्न। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी भरत। ऑप्शन सी भरत कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भरत की माता जी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और भगवान राम को 14 वर्षों तक वनवास देने मांगने की मांग के लिए कोप भवन में चली गई थी और जाकर के उन्होंने विलाप किया और उस विलाप का परिणाम यह हुआ कि भगवान राम को वनवास मिल गया 14 वर्षों का। हमारे कंप्यूटर जी जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि आपने मिस उड़ीसा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लिया हुआ है। जी सर, ये 2014 की बात है एंड मैंने कोई मॉडलिंग उस वक्त की नहीं थी एंड अचानक से एक शो आया एंड मैंने घर पे बोला कि मुझे जाना है एंड मैं उसका एक किस्सा भी शेयर करना चाहूँगी सर। उस वक्त उतने पैसे थे नहीं कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हम लोग जाके हिस्सा ले पाए, तो मेरी मामा ने, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी, उन्होंने अपनी सोने की रिंग गिरवी रखी थी ताकि मैं कॉन्टेस्ट में जा पाऊँ, मैं अच्छा पहन पाऊँ, मैं अच्छी दिख पाऊँ एंड मैं जीत के आ पाऊँ। तो सर जब उन्होंने इतना बड़ा चीज़ कर दिया ना, तो मेरा बनता था कि अभी बाय हुक और बाय क्रुक मुझे जीत के तो आना है एंड सर मेरी मम्मी का आशीर्वाद था वो एंड मेरे पापा का साथ था वो, मेरे पूरे फैमिली का सपोर्ट था वो कि मैं जीत के भी आई, मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको जी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता आज हमारे सामने। पूजा जी, आठवां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है इसका 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए। आठवां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेनिनजाइटिस नामक रोग मुख्य रूप से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? Which organ in the human body is primarily affected by meningitis? A. Knee joints, B. brain, C. liver, D. lungs. घुटने के जोड़, मस्तिष्क, यकृत या फेफड़े? सर ये लंग्स तो नहीं होना चाहिए, नी जॉइंट्स भी मुझे नहीं लग रहा है, मेरा ध्यान ब्रेन पे जा रहा है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। सर मैं लाइफलाइन लेना। शांत हो जाइए डीजे बाबू, 31 सेकंड बचे हैं पूजा जी, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस बोल लेंगे। ऑलराइट कंप्यूटर जी, इस ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी, एक बार फिर वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है। आप ~74% दिया है मस्तिष्क को। सर मैं बी ब्रेन को लॉक करना चाहूंगी, मैं जनता के साथ। ब्रेन, मस्तिष्क पे ताला लगा जाए। Well played, audience is the right answer. Well done. Meningitis मुख्य रूप से बैक्टीरिया के कारण होता है और अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो यह घातक भी साबित हो सकता है। मेनिनजाइटिस के मुख्य लक्षण होते हैं उल्टी आना, तेज बुखार और गर्दन जो है वो कभी कभी अकड़ जाती है। वो एक संकेत है कि शायद मेनिनजाइटिस हो सकता है आपको। ऑलराइट सर मुझे आपसे एक बात पूछना है, आपके घर में ऐश्वर्या मैम है, क्या उन्होंने कभी आपको रैंप वॉक सिखाया है? नहीं। नहीं तो सर ऐसे तो जब लड़कियां चलती हैं रैंप पे उसे कैट वॉक कहते हैं, क्या आप मेरे साथ लायन वॉक करना चाहेंगे?
सकते अभी आशा अभिलाषा वीक चल रहा है, आपने ही बोला कांड निर्णय रखना. सर देखिए ऑडियंस भी चाहती है आपको लायन वॉक करते हुए. सर मैं आपको सिखाऊं प्रयास करेंगे. नहीं आप बताइए क्या करना है. सर देखिए हम ना वहाँ से चल के आएंगे, ठीक है. यहाँ से चल के आएंगे, हम यहाँ एक पोज देंगे, ठीक है. उसके बाद ना हम लोग घूम के मैं यहाँ से जाऊंगी, आप यहाँ से जाइएगा. हम लोग ना वहाँ सामने में वहाँ रुकेंगे एंड उस टाइम पे ना सर आपको थोड़ा लाइक यू नो स्वैगी टाइप में थोड़ा कोट को देखियो. स्वैगी टाइप क्या होता है सर? आप वैसे पकड़े ना अपना कोट थोड़ा, ये थोड़ा अच्छा ऐसे ऐसे. हाँ थोड़ा ऐसा. हाँ मैं भी कुछ अच्छी खासी तो हवा आ रही, काहे को फिर करवा रहे. अच्छा लगेगा. कहाँ जाए अभी? इधर अच्छी खासी परेड निकलवा दी आपने हमारी आज. आपको मजा आया? जी. इसके अलावा और भी कुछ बोल सकते थे क्या हमारे? बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर. पूजा त्रिपाठी जी हमारे सामने बैठी हैं, ये समलपुर उड़ीसा से आई हैं. कहने के लिए तो ये होम मेकर हैं लेकिन दरअसल ये है ब्यूटी क्वीन. कितनी सर, तारीफ कर दी आपकी. जब से आप बैठी तब से हम आपकी तारीफ ही कर रहे हैं. सर मैंने भी किया. नहीं नहीं हम कह रहे हैं केवल बता रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं है कि आप ही कीजिए, आपकी भी तारीफ हो रही है. ओके थोड़ा सा अब ध्यान आपका खेल के ऊपर आ जाए. आ रहा है नवा प्रश्न. दो लाइफलाइन बची हुई आपकी अभी भी. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ये भी एक इमेज प्रश्न है पूजा जी. पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिख रहे व्यक्ति ने तीन अलग अलग प्रधानमंत्रियों के तहत किस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है? द पर्सन सीन ऑन द बुक कवर हैज हेडेड विच ऑफ दीज मिनिस्ट्रीज अंडर थ्री डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स. छवि दिखाई जाए. और आपके विकल्प आपके सामने रखने जा रहा हूं. ए फाइनेंस, बी होम अफेयर्स, सी एक्सटर्नल अफेयर्स, डी डिफेंस. वित्त, गृह, विदेश या रक्षा. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्ट्री. श्योर लगा दें ताला. ए फाइनेंस जी. राइट ए पे ताला लगा जाए. नहीं सही जवाब है. जीत गए आप 1,60,000 रुपए. नवा प्रश्न आपने सही उत्तर दिया है. ये छवि थी पी
चिदम्बरम साहब की 1996 से लेकर 1998 तक प्रधानमंत्री देवी गौड़ा और श्री आई के गुजराल के तहत ये वित्त मंत्री थे। बाद में वे मनमोहन सिंह जी के सरकार में भी वे वित्त मंत्री रहे। ऑलराइट, सही उत्तर हो गया आपका। ये जो चित्र देवी सज्जनों आपने अभी देखा, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। हम अपना उनको अनेक अनेक धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ।2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी अर्नो की राष्ट्रीयता क्या है? What is the nationality of the 2022 Nobel Laureate for Literature, एनी अर्नो? ए स्पेनिश, बी कनेडियन, सी फ्रेंच, डी पोलिश। सर मैंने ये पढ़ा तो हुआ है एनी अर्नोक्स के बारे में कि ये लिटरेचर में इनको अभी मिला है। स्पेनिश, कनाडाई, फ्रांसीसी, पोलिश। सर मैं ऑप्शन लेना चाहूंगी, लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। दो बचे हैं, 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दीजिए। आपने तीन नाम दिए थे पूजा जी, ये हैं वो नाम। कल्याणी नायक, कुमार दिग्विजय, भुवनेश शर्मा जी। सर मैं भुवनेश शर्मा जी को कॉल लगाना चाहूंगा। भुवनेश शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी कौन है, ये आपके मित्र हैं? नहीं सर, मैं जानती हूँ इन्हें, काइंड ऑफ फ्रेंड है, इनका एक चैनल भी है जिसमें पढ़ाते हैं। भुवनेश शर्मा जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। पूजा त्रिपाठी जी हमारे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे, तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ाएंगे, चार ऑप्शन देंगे और आप बताइए कि सही उत्तर क्या है 45 सेकंड के अंदर। सर पूरी कोशिश करेंगे। जी जी, ऑलराइट, तैयार हो जाइए। पूजा जी आपका समय शुरू होता है। आप सर 2022 नोबेल लॉरेट फॉर लिटरेचर एनी अर्नोक्स जी कौन से जगह से बिलोंग करती थी? लिटरेचर जिन्होंने जीता एनी अर्नोक्स जी वो कौन से जगह से बिलोंग करती थी? स्पेनिश, फ्रेंच, कैनेडियन और पोलिश। वैसे तो ये फ्रेंच फ्रेंच है वैसे तो ये। सर आर यू श्योर? क्योंकि इन्होंने जो अपनी लाइफ, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर काफी सारी बुक्स लिखी है, पूरी लाइफ की जर्नी के ऊपर, तो 99% आई एम श्योर कि शी इज फ्रेंच। मैं लगा दूं फ्रेंच पे ताला? आप लगा सकते हो। ओके ठीक है, थैंक यू। क्या करना चाहेंगे? सर मैं फ्रेंच पे ताला लगाना। सी फ्रेंच, ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। एनी अर्नो अपने जीवन के ऑटोबायोग्राफिकल लेख लिखने और महिला अनुभवों को लोगों के सामने रखने के लिए प्रसिद्ध है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है पूजा जी और दूसरा पड़ाव भी पार हो गया है, चेक आ रहा है इनके नाम। हाँ, ये रहा चेक 3,20,000 का। ऑलराइट जी, एक बात कहना चाहूंगी। जब से आए आप बात ही कर रही हैं। ओके सर, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फाइन। एंड सर ये बात किसी छुपी नहीं है, फार्मर ना सबका पेट भरता है लेकिन रात को ना सर खुद भूखा सोता है। तो बात ये ना सर कि मेरे पापा ने मुझे कभी पढ़ने वढ़ने से नहीं रोका। यूजुअली फार्मर के फैमिली में सर ऐसा होता है ना कि अगर पैसों के इश्यूज आए तो लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। बहुत सारी ये गलत प्रथाएं जो हैं ये हमारे देश में चल रही हैं। जी सर जी, लेकिन सर मेरे पापा ने फार्मा होने के बावजूद मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं जो चाहती थी उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया। लेकिन सर एक गलती हुई मुझसे लाइफ में,
जिसके लिए ना कहीं आज भी मुझे बहुत गिल्ट फील होता है. एक्चुअली मुझे जॉब लग गई थी एंड उस वक्त मेरे फैमिली को मेरी हेल्प की बहुत ज़रूरत थी. उस वक्त फाइनेंशियली मुझे उनका बैक सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन मैं जो मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ मैं थी, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं कहीं और जाके जॉब करूं. इसलिए काइंड ऑफ मुझे दोनों में से एक जन को सिलेक्शन करने वाला सिचुएशन आ गया था. तो सर आज जो मैंने जीता है ना, ये पूरा उनका नाम. तो सर क्या प्लीज आप मेरे पापा को कॉल लगा सकते हैं ताकि मैं उनको सॉरी बोलूं. लगाया जाए कॉल रंजन त्रिपाठी जी को. हाँ रंजन जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. नमस्ते सर, क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है सर. मान्यवर आपको मैं बता दूं कि आपकी सुपुत्री पूजा मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी है. हाँ सर. और वो आपसे कुछ बात करना चाह रही हैं. आई एम सॉरी पापा, जब आपने मुझे फ्रैंकफर्ट में आपने मुझे पढ़ाया था तो मैं एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैं जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई थी. एंड आई नो उस वक्त मुझे बताना चाहिए था आप लोग को, लेकिन मैं नहीं बता पाई. पापा आई एम सॉरी फॉर दैट. अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए. एंड मैंने अभी तक 320,000 जीता है, तो मैं ये उस चीज़ का भरपाई मैं इससे करना चाहूँगी, ये आपके नाम. बेटी तो माना नहीं आज तक, उसको बेटा ही मानता हूँ आज तक जिंदगी में, उसको बेटी कभी नहीं माना. रंजन जी जो इन्होंने कहा है अभी वो बहुत ही सराहनीय है, और आपने अपनी बेटी को हमेशा बेटा माना है, ये भी बहुत ही अच्छी बात कही आपने. बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम खेल को आगे बढ़ाएंगे. पूजा जी बहुत बदमाश है, खेल को रोक देता है. ऑलराइट पूजा जी, तो हूटर बच गया है, तो खेल को आज यहीं समाप्त करना पड़ेगा. देवियों सज्जनों आज का समय यहीं पर समाप्त होता है. देखिए जब लोगों को फल की जरूरत होती है ना, तो वो पेड़ के पास आते हैं और पेड़ से फल तोड़ करके वो चले जाते हैं. पेड़ को शायद ये लगता होगा कि जरूरत के वक्त ही इंसान मेरे पास आता है, मैं उसका फायदा क्यों करूं, मैं कहीं और चला जाता हूं. पेड़ जब जाने का प्रयत्न करता है तो वो जा नहीं पाता है, क्योंकि उसकी जड़ें जो है ना उसे रोक लेती. आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपका परिचय करवाया था दो सीख के साथ. अब एक और सीख सुन लीजिए. पेड़ों से हमें कुछ सीखना चाहिए. जब भी कोई हमारे पास अपनी जरूरत लेकर आए तो हमें रुक कर उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जड़ पेड़ की पहचान है, ठीक उसी तरह इंसानों की पहचान है इंसानियत. तो अपनी पहचान खोने से बचिए और दूसरों की मदद की. इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं. अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि. धन्यवाद. नंदन आभार. मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति. बस 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 सांस फूल गया, इतनी जोर से ताली बजाया आपने. देवियों सज्जनों देखिए, हमारी हिंदी भाषा में एक शब्द है नहीं,
ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमेशा ही नकारात्मक यानी कि नेगेटिव माना गया है, लेकिन कई बार इस नेगेटिव शब्द का उपयोग करने से दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। जब सामने मुश्किलों का गहरा समंदर हो और मन में ये सवाल उठे मुझसे ये समंदर कैसे पार होगा, तब नहीं जो शब्द है उसका प्रयोग करके देखिए, आपके दिल से ये आवाज आएगी, ये समंदर मुझसे कैसे पार नहीं होगा। जब दूसरों को देखकर आपका आत्मविश्वास डगमगाए और मन में ये सवाल आए कि इतनी भीड़ में मुझे सफलता कैसे मिलेगी, उस वक्त भी नहीं शब्द का प्रयोग करके देखिए, दिल से अब आपके ये आवाज आएगी कि इतनी भीड़ में मुझे सफलता कैसे नहीं मिलती। ये नहीं शब्द जो है ना, ये आपको झुकने नहीं देता, आपको रुकने नहीं देता और आपको हार मानने नहीं देता। देवियों सुनियो, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो अगली बार अभिलाषाओं को पिंजरे में बंद करने से पहले खुद से कहिए कि कैसे नहीं होगा और क्यों नहीं होगा, और फिर देखिए कि हर अभिलाषा जो है कैसे पूरी नहीं होती। फिलहाल आज हम आशा करते हैं कि हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट पूजा त्रिपाठी जी की जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो पूरी हो जाएं और वो यहाँ से ज़्यादा धनराशि जीत करके जाएं। बाल आपका हमने संवार दिया है पूजा जी। ऑलराइट, मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूँ कि पूजा जी ने कल 2 लाइफलाइन की मदद से 3,20,000 रुपये जीत लिए थे। पूजा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम करता हूँ आपको, तालियां बजाएं इनके लिए। और देवी सज्जनों, ये पूजा जी अपने कंपेनियन के रूप में अपनी बुआ को लाई हैं जिनका नाम है उषा जी। उषा जी, प्रणाम करता हूँ आपको और आपका बहुत बहुत स्वागत, तालियां बजाएं उनके लिए। ओके पूजा जी, कल जैसे ही आपने दूसरा पड़ाव पार किया 3,20,000 रुपये का, कुछ चीज़ें आपको बता भी दी थी कि 10 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद क्या होता है। तो 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का द्वार खुल जाता है, तिलस्मी तिजोरी। 15वें प्रश्न में जो 75 लाख का धन अमृत पड़ा हो वो भी आरंभ हो जाता है, डीजे बाबू शांत हो जाते हैं, समय समय आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपकी, ध्यान से खेलिएगा। और आ रहा है 11वां प्रश्न, आज के इस खेल का पहला प्रश्न। ये है 6,40,000 रुपये का प्रश्न, और कई बार आपने सुना होगा हमसे कि ये लीस्ट रिस्क वाला है, इसलिए क्योंकि अगर आपने इसका उत्तर गलत भी दे दिया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। तो चलिए, जवा दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, आपको हम प्रणाम करते हैं। प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत जोर से पाजा पच गया है। पूजा जी, प्रणाम करते हैं हम आपको और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय को 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? द फर्स्ट इंडियन टू लीड विच इंस्टीट्यूशन वॉज अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इन द 1950s। ऑप्शन देता हूं आपके सामने, ए इलेक्शन कमीशन, बी इंडियन आर्मी, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन आयोग, भारतीय सेना, भारतीय रिजर्व बैंक या सर्वोच्च न्यायालय? सर, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार इलेक्शन कमीशन पे जा रहा है। सर, लाइफलाइन लेंगी। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित है। ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई है, और जैसा कि आप जानते हैं पूजा जी, दो जो गलत विकल्प हैं मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन गया,
बचा है बी इंडियन आर्मी, डी सुप्रीम कोर्ट। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय को 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? सर मैं बी के साथ जाना चाहूंगे। बी के साथ, ऑलराइट। प्लीज लॉक ऑप्शन बी एंटर नाउ। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप जा रही थी इलेक्शन कमीशन पे, वो चला गया, फिर आप आ गई इंडियन आर्मी पे। आपके मन में कोई धारणा थी या ऐसे ही बोल दिया? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं लगा, एक्चुअली में तो इलेक्शन कमीशन लग रहा था, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद इंडियन आर्मी में ज्यादा क्लिक किया। क्या वजह थी? सर 1950 आ गया था एंड ऑब्वियसली इलेक्शन होने के चांसेस थे, इलेक्शन होने वाले थे 1951 को, मुझे पता है पहला इलेक्शन हुआ था, पहला जनरल इलेक्शन, मुझे लगा इंडियन आर्मी के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। किस संगठन का नेतृत्व करने वाले चलिए छोड़िए, 6,40,000 जीत लिया आपने। न जाने आपकी सोच कहां जा रही थी। आपको मालूम है कि कौन नियुक्त किया गया है, उनका किस संगठन से संबंध था? अब हम आपको बताते हैं कौन थे वो। फील्ड मार्शल K.M. करियप्पा, भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ, जिनको बाद में फील्ड मार्शल भी बनाया गया। जी, जी, जी। सेना के नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे, बाद में उन्हें सेना में सर्वोच्च रैंक फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अन्य देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे, उसके बाद उनको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, और वो पहले जो कि आर्मी के साथ थे जिनको हाई कमिश्नर बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। ऑलराइट, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। आ रहा है 12वां प्रश्न, मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। नासा ने घोषणा की है कि वो शनि के किस चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च करेगा। नासा हैज अनाउंस्ड दैट इट विल लॉन्च द ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट टू स्टडी विच मून ऑफ सैटर्न। और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, ए एनसेलेडस, बी ट्राइटन, सी कैलिस्टो, डी टाइटन। सर मुझे जहाँ तक आइडिया है ट्राइटन एंड कैलिस्टो सैटर्न के मून नहीं है। ट्राइटन इज ऑफ नेपच्यून, एनसेलेडस मैंने सुना नहीं, टाइटन सर सैटर्न का मून है। मैं ऑप्शन डी टाइटन को लॉक करना चाहूंगा। ऑप्शन डी टाइटन पे ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने? सर टाइटन सैटर्न का मून है वो पता है, पढ़ा था इसे। वेल प्लेड पूजा दी, इज द राइट आंसर। क्या बात है, 12,50,000 रुपए जीत ले आपने। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है सैटर्न का, ये यूनिक है क्योंकि जल बर्फ से पटी हुई दुनिया की सतह पर डाइवर्स कार्बन रिच केमिस्ट्री है। ये स्पेसक्राफ्ट को 2027 में लॉन्च करने का लक्ष्य है। ओके, इन फ्यूचर। हाँ, अभी आएगा। इसीलिए नासा जो है वो कर रहा है तैयारी वहाँ लॉन्च करने के लिए। ये 2027 में लॉन्च होगा। वेल प्लेड पूजा जी। अब आ गया है 13वां प्रश्न जो आपको दे सकता है 25,00,000 रुपए। 13वां प्रश्न, 25,00,000 रुपए, कोई भी लाइफलाइन नहीं है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। १९३४ में
भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? In 1934, who became the first person to win a medal at the Commonwealth Games for India? A. Balbir Singh. B. Rashid Anwar. C. Ram Meher. D. Hari Singh. सर, मैंने ये कहीं तो रशीद अनवर पढ़ा है, कॉमनवेल्थ गेम एंड फर्स्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम 1934, रशीद अनवर। सर, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, रशीद अनवर। रशीद अनवर बी, ताला लगाया जाए। Well played, Pooja Ji, is the right answer. क्या है आप? सर, आपके मुंह से यही सुनने आई थी यहाँ पे। रशीद अनवर ने लंदन में 1934 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 किलोग्राम फ्रीस्टाइल रेसलिंग में कांस्य पदक जीता था। रशीद अनवर ने रिंग के बाहर भी बहुत वीरता दिखाई थी। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। वेल प्लेड पूजा जी, इतने मुश्किल प्रश्नों का कैसे आप फटाक से जवाब दे रही हैं? अद्भुत, वेल डन। इसी तन्मयता के साथ अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए इसका मूल्य है। रेडी पूजा जी? ठीक। 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी का वो चित्र किसने बनाया था जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने कार्यालय में रखा था? हु पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी विच मार्टिन लूथर किंग जूनियर केप्ट In his office. Option सुनिए, A. अकबर पदम सिंह, B. लक्ष्मण पाई, C. वासुदेव गायतोंडे, D. उपेंद्र महारथी। Who painted the portrait? सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है, किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं। सर, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान बार बार लक्ष्मण पाई पे जा रहा है। बट रिस्क बड़ा है, वासुदेव गायतोंडे इनका नाम मैंने कभी सुना नहीं है, अकबर पदम सिंह का भी नाम मैंने सुना नहीं है, मैं लक्ष्मण पाई को जानती हूँ, मेरा ध्यान बार बार जा रहा है लक्ष्मण पाई पे। लक्ष्मण पाए। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी, लक्ष्मण पाए। फाइनल उत्तर आपका बी, लक्ष्मण पाए। जी, क्या ना जी, बी लक्ष्मण पाए पर ताला लगाया जाए।
विजय जी आपसे कहा था कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है और कहा था कि सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पे। कई बार आपने कहा पता नहीं मुझे क्यों ये लग रहा है, अब की बार भी आपने कहा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि लक्ष्मण पाई होना चाहिए। पूजा जी अब की बार गलत हो गया, सही उत्तर है उपेंद्र महारथी। पूजा जी इतनी सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिए थे लेकिन आज आप यहां से 3-20 लेकर के जाएंगे क्योंकि 25 लाख से नीचे आप गिर गई। महात्मा गांधी ने विश्व के कई नेताओं को प्रभावित किया जिनमें से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में सिविल राइट्स आंदोलन में उनके सिद्धांतों का उपयोग किया। उपेंद्र महारथी पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार हैं जो उड़ीसा से हैं। और भी तकलीफ हो रही है आपको क्योंकि आप वहीं से हैं उड़ीसा से, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। कोई बात नहीं पूजा जी, 3,20,000 रुपये आप जीतती हैं और ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है ऐप के द्वारा इनकी जीती हुई राशि डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। पूजा त्रिपाठी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3-20-1-2-3-4 कंफर्म किया और ये 3-20 आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी आसान और सेफ तरीके से डेमियो सजने, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से खेला और अच्छे अच्छे उत्तर दिए आपने, एक बार फिर तालियां, वेल डन। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आते हैं।